हाय वेलकम बैक द चैनल सो आज मैं आपके लेके आया हूँ फुल साइज माफिया एसयूवी टुडे वी हैव एमजी जी ग्लोस्टर ब्लैक स्ट्रॉम अब ये नया वेरिएंट आया है यहाँ पे यार आपको फुल माफिया वाइब्स आने वाली हैं सो so, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं आज अपन उसके बारे में बात करेंगे सो बिफोर वी स्टार्ट स्पेशल थैंक्स टू खटवानी एम जी फॉर हेल्पिंग मी आउट अगर आपको एम जी का कोई प्रोडक्ट देखना है शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है कॉल करिए अपनी अपॉइंट बुक करिए देन गो टू अर शो एंड हैव अलग लेट स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से सबसे पहले मैं आपको एम जी ग्लॉस्टर ब्लैक स्ट्रॉम का प्राइस बता देता हूँ so ये स्टार्ट होती है फ्रॉम फोर्टी लाख थर्टी थाउजेंड रुपीज एक्ट शोरूम एंड गोस्टेल फोर्टी थ्री लाख एट थाउजेंड रुपीज एक्ट शोरूम टॉप एंड वेरियंट में ही अवेलेबल है आपको यहां पे सेव इंजन का ऑप्शन मिलता है सिंगल टर्बो या फिर ट्विन टर्बो सिंगल टर्बो में आपको टू व्हील ड्राइव मिलेगा ट्विन टर्बो में आपको फोर व्हील ड्राइव मिलेगा सो ओनली अवेलेबल इन टॉप एंड वेरियंट बाकी यार ये गाड़ी इतनी सुंदर दिख रही है इतनी सुंदर दिख रही है मतलब मेरे को ना इंडवा स्पोर्ट की याद आ रही है अगर आपको याद हो इंडवा स्पोर्ट में भी आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलता था सो सिमिलर लुक्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं और गाड़ी यार इतनी सुंदर दिख रही है इतनी बढ़िया दिख रही है प्रॉपर माफिया वाइब्स हैं बाकी यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं क्या क्या अलग मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले अपन सामने से स्टार्ट करते हैं सो जस्ट लुक एट दिस फ्रंट इट लुक वाइड और यहाँ पे आपको ये न्यू ग्रिल मिल रही है सो वी हैव दिस न्यू ग्रिल और इतनी सुंदर दिख रही है यार ये कार मतलब देखो यार <laughs> इतनी अच्छी वित्त है इतनी अच्छी प्रेजेंस है सो दैट इज वेरी गुड सेंटर में आपको एम का लोगो मिल जाता है यहाँ पे अपने पास थ्री सिक्सटी हैं दिस इज द न्यू ग्रेल यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेट अप मिल रहा है ऊपर की तरफ अपने पास डीआरएल्स है एंड यहाँ पे ये अंदर तरफ आपको ये रेड एंडसर्ट देखने को मिलता है सो दैट्स अचेंज बाकी यहाँ पे अपने पास हेलोजें फॉर लैम्प है या आपको पूरा वेंट देखने को मिलता है फ्रंट पॉकिंग सेंसर्स है एंड ये नीचे की तरफ भी आपको ये रेड लिप देखने को मिल रहा है सो दैट इज वेरी गुड सो अब अपने पास यहाँ पे ये न्यू ग्रेल है आपको इस गाड़ी का फ्रंट कैसा लग रहा है इंजन की तरफ so, यहाँ आपको दो इंजन लीटर सिंगल टर्बो जो कि प्रोड्यूस करता है 161 PS का वो आपको सिर्फ टू व्हील ड्राइव में मिलेगा एंड देन वी है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट फाइव पी एस एंड फोर सेवेंटी एट पॉइंट फाइव एन एम का टॉक ये आपको सिर्फ फोर व्हील ड्राइव में मिलेगा सो so, ये दो इंजन ऑप्शंस हैं दोनों आपको एट स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मिलते हैं सो पावर आवर के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है एंड ये है इस गाड़ी का इंजन भी आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स भी देखने को मिलते हैं सो दैट इज ऑल्सो गुड यहां पे आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है बाकी यार बिल्ड एल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है एंड इट्स ओनली अवेलेबल इन द टॉप एंड वेरिएंट सो वो एक बात है सिर्फ आपको यहाँ पे टू व्हील ड्राइव या फिर फोर व्हील ड्राइव इसका ही ऑप्शन मिल रहा है बाकी अब आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ मतलब यार ये गाड़ी इतनी लंबी है इतनी बड़ी है ब्लैक कलर इट्स लुकिंग प्रॉपर माफिया मतलब देख रहे हो क्या दिख रही है यार चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ सो यहाँ पे आपको ब्लैक डाउट व्हील्स मिलते हैं प्रॉपर ब्लैक डाउट हैं रेड कालेपर्स देखने को मिलते हैं प्रोफाइल के बारे में बात की जाए प्रोफाइल एस टू फिफ्टी फाइव बाई फिफ्टी फाइव आर नाइनटीन सो यहाँ पे आपको नाइनटीन इंचस के ब्लैक डाउट व्हील्स मिल रहे हैं रेड कालेपर्स यहाँ पे अपने पास क्लाइडिंग है साइड स्टेप ब्रेड डायनेमिक यहाँ पे अपने पास पडल लैम्स है 360 सिक्सटी कैमरा टर्न सिग्नल हीटेड आपको ओ आर मिलते हैं और ओ आर में भी आपको ये रेड इंसर्ट मिल रहा है यहाँ पे अपने पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है सो दैट इज ऑल्सो गुड यहाँ पे अपने पास क्रोम हैंडल्स हैं ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं एंड अब आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ रियल से भी आ रही है गाड़ी इतनी तगड़ी लगती है बिकॉज अच्छी वेथ है अच्छा साइज है बॉक्सी स्टांस है सो दैट इज गुड एल आपको टेल लाइट्स मिलती हैं ऊपर की तरफ अपने पास हाई माउंट स्टॉप लैम्प है रियर वाइपर वॉशर डिफोवर सिर्फ यहाँ पे आपको हल्का सा क्रोम मिलता है बाकी कुछ नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे आपको हल्का सा क्रोम मिल रहा है एम का लोगो फोर वी ड्राइव ए डैश यहाँ पर अपने पास इंटरनेट इन है अब इसको ब्लैकआउट कर दिया गया है सो ये उतना पॉप नहीं कर रहा सो एक बढ़िया बात है और यहाँ पर आपको न्यू ग्लोस्टर का लोगो मिलता है सो कि न्यू फॉन्ट में यहाँ पर दिया गया है सो दैट इज ऑल्सो गुड रियर में भी कैमरा है रियर पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट देखने को मिलता है so जो की एक बात है ना विथ ऑल द रोज आप यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस मिल रहा है लाइक like, एक दो बैग एग तो आप यहाँ पे आराम से रख लेंगे सो दैट इज गुड यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है होक्स है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है मतलब यहाँ से आप टायर इन्फ्लेटर या फिर ये सब चीज़ें यूज कर पाएंगे और यहाँ पे भी आपको हुक मिल रहा है इसके नीचे अपने पास थोड़ा सा सीक्रेट कंपार्टमेंट है सो so और आपको कुछ छुपा के रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन फोल्ड द सीट्स एंड देन यू विल हैव ऑल द स्पेस इन द वर्ल्ड मतलब अगर आप ये दोनों रो को फोल्ड कर देना फिर आप नैनो या फिर कोई छोटी गाड़ी एम जी कॉमेट को अंदर रख लेंगे सो द स्पेस इज वेरी गुड बाकी यहाँ पे अपने पास थर्ड रो में यहाँ पे देखिए हुक्स हैं कप होल्डर्स हैं ग्लास एरिया इज वेरी गुड वहाँ पे भी आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं ऊपर की तरफ आपको ए सी वेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे अपने पास ये लाइट्स हैं थर्ड रो भी आपको यहाँ पे बहुत यूजेबल मिलती है यहाँ पे आप अडल्ट को आराम से बैठा सकते हैं सो स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है आराम से आप इसको यूज़ करिए अगर ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो इसको फोल्ड कर दीजिए बाकी यार यहाँ पे अपने पास डिसेंट बूट स्पेस है अब अपन चलते हैं आगे की तरफ सो आपको यहाँ पे सिर्फ एक बटन प्रेस करना है बटन प्रेस करते ही ये बंद हो जाता है सो यहाँ पे अपने पास डोर हैंडल्स हैं अब इंटीरियर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है सो so, अगर आपको माफिया वाइब्स ब्लैक वाइब्स ये सब चीजें पसंद है ना तो so, यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है जो कि एक बढ़िया बात है और फिनिशिंग भी आपको यहाँ पे इतनी तगड़ी मिलती है मतलब ये सब देखें मतलब यार ये सब देख के ऐसा लगता है कि कोई लेदर की फैक्ट्री में आ गए हैं क्या बिकॉज ये भी सॉफ्ट टच है ये भी सॉफ्ट टच है ये भी सॉफ्ट टच है सो काफ़ी प्रीमियम एलिमेंट्स आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगे बाकी यहाँ पे अपने पास सिल्वर फिनिश विंडो कंट्रोल्स डोपॉक के साथ गुड एन आफ यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है बिकॉज गाड़ी काफ़ी ऊंची है ऑल ब्लैक इंटीरियर सो एक बढ़िया चीज़ है विथ वाइट स्टिचिंग यहाँ पर आपको वाइट स्टिचिंग देखने को मिलती है अब अगर आपको थर्ड रो में जाना है ये देखो सो so, आप थर्ड रो में जा सकते हैं अगर नहीं जाना है तो इसको वापस सीधा कर लो और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं अब आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है मेरी हाइट है सिक्स फीट स्पेस है इसके मामले में कोई भी दिक्कत नहीं एंड इफ आई वॉन्ट मोर स्पेस आई कैन मूव बैक सो वो भी एक चीज है सो so, स्पेस के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है एंड यहाँ पे आपको थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ठीक है प्रॉपर फीचर्स मिलने वाले यहां पे आपको यहाँ पे, पे आपको एक ट्वेल्व वोल्ट और यूएस पॉइंट मिल जाता है फॉर चार्जिंग एंड ऑल सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है बट लुकिंग एट द विथ ऑफ दिस व्हीकल यहां पे आप तीन अडल्ट को एकदम आराम से बैठा लेंगे सो so, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हैडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है अंडर थाई सपोर्ट इज था डिसेंट यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाते हैं यहाँ पे आपको एसी वेंट्स हैंडल यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं प्रीमियम लाइट्स फुल पैनोरामिक सनरूफ है, है. मतलब इसका ओपनिंग देखिए मेरे सर के भी पीछे जा रहा है सो so, प्रॉपर आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है सेंटर में अपने पास ये आमरेस्ट है विथ ट्विन कप होल्डर्स और काफी चौड़ा अमरेस्ट है सो so, दोनों पैसेंजर्स को यहाँ पे हाथ रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली सो so, वो भी एक बढ़िया चीज़ है कंफर्ट क्वेश्चनिंग ये सब चीजों के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है ये देखो यहाँ से हल्का सा उठा हुआ है ताकि आपको ज्यादा बेटर अंडा थाई सपोर्ट मिले सो so, वो एक बढ़िया चीज है और ऑल ब्लैक इंटीरियर है बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा आपको ऑल ब्लैक नहीं मिलता जो कि अपन यूजअली डार्क एडिशन में आजकल देख रहे हैं सो ये आपको ब्लैक नहीं मिलेगा बाकी ये नीचे से पूरा ब्लैक ब्लैक है सो दैट इज हाउ इट इज सो ये था इस गाड़ी का सेकेंड रो बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ सबसे पहले मैं आपको एम जी ग्लोस्टर ब्लैक स्ट्रॉम की चाह भी दिखा देता हूँ सो so, चाह भी आपको एकदम सेम मिल रही है जो कि आपको नॉर्मल ग्लोस्टर में मिलती है सो so, यहाँ पे अपने पास क्रोम एम जी का लोगो लॉक एंड लॉक एंड बूट रिलीज सो सेम की है बाकी यहाँ पे अपने पास रिक्वेस्ट एंसर्स है स्टार्ट करते हैं अपन इसके डो से सो so, ये आपको सॉफ्ट टच में मिल रहा है यहाँ पे अपने पास ये प्रॉपर पैटर्न है सिल्वर फिनिश विंडो कंट्रोल्स डो पॉकेट्स आर गुड इनफ यहाँ पे अपने पास वो कंट्रोल्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है 12 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर ड्राइवर सीट सीट है में आपको मसाज के साथ साथ हीटर और वेंटिलेशन दोनों का फंक्शन मिलता है को ड्राइवर सीट में आपको सिर्फ हीटिंग का फंक्शन मिलता है ये चीज़ मेरे को को समझ में में नहीं आई कि ड्राइवर सीट आपको वेंटिलेशन क्यों नहीं मिलता सिर्फ आपको वहां पे हीटिंग का फंक्शन मिल रहा है बाकी यहां पे अपने पास मसाज हीटिंग वेंटिलेशन मेमोरी दो आपको यहां पे मेमोरी के फंक्शंस मिलते हैं सो so बढ़िया चीज है बाकी दोनों सीट में आपको फोर वे एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट मिल रहा है सो दैट इज गुड बाकी चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ अब किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले इतनी बड़ी कार में आपको एक अच्छी फ्रेगरेंस तो चाहिए सो आज मैं आपके लिए क्या आया हूं इन्वॉल्व एलिमेंट्स का अर्थ अर्थ में आपको अर्थी मस्की मस्क फ्रेगरेंस मिलती है जो कि आपकी पूरी कार की वाइब सेट कर देगी आपकी पूरी कार में एक नंबर फ्रेगरेंस आएगी इट कम्स इन दिस कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल जो कि आपको ईजिली तीन से चार महीने लास्ट करेगी और इसके साथ आपको ये टैब मिलता है जो कि आप यहाँ पे टंगा सकते हैं अब टैब में आपको इस बॉटल से स्प्रे करना है वंस यू स्प्रे इट यहाँ से दस पंद्रह दिन तक डिफ्यूजन होता रहता है एंड वंस यू फील लाइक कि अब उतनी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है सो आप वापस स्प्रे कर सकते हैं सो so, ये बॉटल आपको बहुत लंबे समय तक लास्ट करने वाली है सो so, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल्सो देस टेन परसेंट डिस्काउंट कूपन सो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं एंड एंड इफ यू यू वांट सम अदर आर्ट कैन फाइंड प्लस सो बहुत सारे ऑप्शन है सो डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अब इस कार के अंदर बैठते ही आपको प्रॉपर माफिया वाइब आने वाली है बिकॉज यहाँ पे अपने पास ऑल ब्लैक इंटीरियर है अब जैसे ही आप इस कार के अंदर बैठ के कार को ऑन करते हैं आपकी सीट आपकी प्रिफर्ड पोजिशन में आ जाती है बिकॉज पे अपने पास मेमोरी फंक्शन है सो एक बढ़िया बात है स्टार्ट करते हैं अपन इसके स्टेरिंग से सो यहां पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलता है विद दिस विद्रेच स्टिचिंग यहाँ पे अपने पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल वॉइस कमांड्स पैडल शिफ्टर्स ऑटो हेडलैम्स रेन सेंसिंग वाइपर्स स्टेयरिंग में अपने पास टेल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों एडजस्टमेंट्स हैं सो एक बढ़िया बात है अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में सो so, साइड में आपको एनालॉग डाइल्स मिलते हैं बाकी यहां पे आपको एक प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको गेयर ओडोमीटर क्लॉक टेम्परेचर फिर आपके पास अलग अलग फंक्शन हैं सो यू कैन लुक एट एड एस एन ऑल इन्फोटेनमेंट है ना सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं यार मतलब इतने फंक्शन हैं इस गाड़ी में और यहीं पे आपको इतने सारे फंक्शंस मिलते हैं सो so, सारी चीजें आप देखिए है ना ये देखो तो टी पी एम एस और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं सो वेरी गुड एंड वेरी इजी टू रीड बाकी ये सब आपको सॉफ्ट टच मिलता है यहाँ पे अपने पास ये स्टिचिंग पैटर्न है अब यहाँ पे आपको 12.2 पॉइंट इंचज़ का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट सिस्टम है बिकॉज इसका टच रिस्पॉन्स क्लैरिटी उतनी बढ़िया नहीं है बाकी यूज़ करने के मामले में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर अपने पास एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है अब इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं क्या क्या ये देखिए सबसे पहले अपने पास लाइट लाइट है लाइट में आपको 64 कलर्स मिलते हैं हैं सो दैट इज अब कैमरा क्वालिटी यार यहां पे आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती है वो एम जी की हर गाड़ी के साथ है सो so, उतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी नहीं है बाकी यहां पे अपने पास अडप्टिव गाइडलाइंस हैं ये थ्री डी व्यू है सो यू कैन लुक एट लाइक डिफरेंट व्यूज एंड ऑल ठीक है उतना अच्छा कैमरा नहीं है ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं बाकी यहां पे अपने पास टीपीएमएस है बाकी यहाँ पे आप देखिए यहां पे आपको प्रॉपर एडास के फंक्शन मिल रहे हैं ब्लाइंड जोन डिटेक्शन फॉरवर्ड कोल्यूशन वार्निंग फटीक रिमाइंडर लेन डिपाचर पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सो आपको प्रॉपर एडास मिलने वाला है यहां पे जो कि एक बढ़िया बात है एंड दिस इज द होम बटन सो दैट इज गुड मतलब ठीक है यार उतना दिक्कत वाली बात नहीं है ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है यहाँ पे अपने पास हाजर लाइट थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको ट्वेल्ल वोल्ट और यू चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है एंड वी हैव सम स्पेस समल्सो जिसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं अब सेंटर में आपको इतनी सारी चीजें मिलती है सबसे पहले एट स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे अपने पास हीटेड और वेंटिलेटेड सीट के बटन है यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटो स्टार्ट स्टॉप पार्किंग असिस्ट या अपना डिफरेंशियल लॉक करने के लिए लेन डिपार्चर सो इतनी चीजें यार यहाँ पे आप देखिए

ग्लव बॉक्स में उतनी जगह नहीं है बाकी यहाँ पे ऑटो है, यहां पे आपको मिरर और लाइट्स मिल जाती है यहाँ पे अगेन वी हैव मिरर एंड लाइट्स, सो दैट इज गुड यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, ये आपका पूरा पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, और पैनोरामिक सनरूफ यार इस गाड़ी की इतनी बड़ी है मतलब देखो कहाँ तक जाती है सो so प्रॉपर आपको यहां पे पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है पूरा ग्लास ओपन हो जाता है सो दिस विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइट अ लॉट ऑफ एयरीनेस बाकी आप बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में सो so एडास तो मिलता ही है उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सिक्स एयरबैग्स बैग्स एबीएस डीबी डी ट्रैक्शन कंट्रोल ई एस पी हिल डिसेंट कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट ये सारी चीजें मिलने वाली हैं सो so सेफ्टी के मामले में तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है बाकी आप बात करते हैं कि आपको एम जी ग्लोस्टर ब्लैक स्ट्रॉम लेना चाहिए कि नहीं सो so अगर आपको एक फुल साइज माफिया एस चाहिए फिर आपको उस गाड़ी को जरूर कंसिडर करना चाहिए बिकॉज इंटीरियर में एक्सटीरियर में आपको प्रॉपर माफिया वाइब्स आने वाली है और यहां पे आपको इतने तगड़े फीचर्स मिलते हैं इतना अच्छा स्पेस मिलता है प्रॉपर लग्जरी मिलती है सो so, किसी चीज में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं सिर्फ दो एरियाज हैं जहां पे मेरे को लगता है कि एम जी को इंप्रूव कर सकता है सबसे पहले गेयरबॉक्स गेरबॉक्स है उतना फास्ट नहीं है उतनी जल्दी शिफ्ट नहीं करता है एंड सेकेंडली द इन्फोटेनमेंट सिस्टम एंड थ्री सिक्सटी कैमराज बस यहां पे इंप्रूवमेंट हो जाए ना बाकी तो ये गाड़ी बहुत तगड़ी है एंड नाउ विद ब्लैक स्ट्रोम आपको ये प्रॉपर माफिया वाइब्स यहां पे आने वाली है सो एक बढ़िया बात है सो ये था एम जी ग्लोस्टर ब्लैक स्ट्रॉम का रिव्यू आपको वीडियो कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप ए लाइक दिस वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब करना ब्लैक एंड दबा देना एंड कमेंट ऑन लो आपको वीडियो कैसा लगा एनसी नेक्स्ट वीडियो बाय